उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष, मातृशक्ति की प्रतीक और पहली स्पीकर जो लगातार मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम कर रही हैं, संपूर्ण प्रदेश को व्यवस्थित करने में लगातार अपना योगदान दे रही हैं, आदरणीय रितु खंडूरी जी, हमारे इस कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी, रुद्रप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, आज जिन्होंने यहाँ पर परेड को व्यवस्थित करने का और उसको नेतृत्व देने का काम किया, श्री राजीव स्वरूप जी, जिलाधिकारी श्री हिमांशु खुराना जी, पुलिस अधीक्षक श्री परमेन डोभाल जी, परेड कमांडर के नाते मातृशक्ति के रूप में जिन्होंने शानदार परेड का यहाँ पर आज नेतृत्व किया, नताशा सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अतिथिगण, पदाधिकारीगण, आंदोलनकारीगण और दूर दूर से आई हुई सभी मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी, हमारे पुलिस विभाग के, आईटीबीपी के, आईआरबी के सभी अधिकारीगण, सभी जवान, सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और स्कूल के आए हुए मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं और समूह की आई हुई हमारी सभी बहनें, मैं आज स्थापना दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमने 22 साल का ये सफर पूरा कर लिया। भाइयों बहनों, आज मैं हमारे प्रदेश के उन अमर शहीदों को भी नमन करता हूं जिनके कारण से हमको यह राज्य प्राप्त हुआ। मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं हमारे आंदोलनकारियों को जिन्होंने इस आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, अपना एक संघर्ष किया और उस संघर्षों की बदौलत हमको राज्य प्राप्त हुआ। मैं आज इस पावन पर्व पर मैं नमन करना चाहता हूं देश के वीर शहीदों को, उत्तराखंड के, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। इस समय मैं उन सभी को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जो हमारे प्रदेश की एक चुनौती है आपदा, उस आपदा में जिनके पारिवारिक जन हमारे बीच में नहीं रहे। मैं एसटीआरएफ, पुलिस, सभी विभागों को ही बहुत ही सराहना करता हूं जो लगातार अपना योगदान देते हैं। साथ ही साथ अभी जिन पुलिस के जवानों ने, अधिकारियों ने, आईटीबीपी के लोगों ने शानदार यहां पर परेड की है, वह भी हमारे सामने एक व्यवस्थित और अनुशासन जीवन जीने का एक नमूना है। मैं उन सबको बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ दिन है और लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह राज्य हमको दिया और मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं, आज के दिन उनका भी स्मरण करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही हमको ये राज्य प्राप्त हुआ। उस राज्य को आगे बढ़ाने का काम, इस राज्य को संवारने का काम, इस राज्य को ऊंचाइयों में ले जाने का काम और जो हमने संकल्प लिया है अपनी माताओं बहनों को आगे बढ़ाना है, नौजवानों को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को, विकास को आगे बढ़ाना है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो लगातार अपना मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद हमको दिया जा रहा है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार जो अभी पिछले दिनों माड़ा गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और माड़ा गांव जिसको उन्होंने प्रथम गांव की संज्ञा दी और प्रथम गांव की संज्ञा केवल माड़ा गांव को ही नहीं दी बल्कि माड़ा गांव के साथ साथ जितने भी गांव हमारे सीमांत के गांव हैं उन सभी गांवों को उन्होंने प्रथम गांव की संज्ञा दी है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने उस दिन वहां से दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं, एक हमारा हेमकुंड साहब से जो गोविंद घाट तक का रोपवे है उस रोपवे का शिलान्यास का शुभारंभ वहां पर किया है, आगे चलकर जो 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा है वो कठिन यात्रा भी हमारी अब जो है पैदल न होकर केबल कार से हो पाएगी, रोपवे से हो पाएगी, वहीं गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक की यात्रा भी जो है अब आगे आने वाले समय में हम रोपवे से कर पाएंगे। भाइयों बहनों, आज बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम हो या हमारे सीमांत क्षेत्रों, सड़कों के क्षेत्र में हर तरफ आज तेजी से काम हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज चूंकि
मौसम भी धीरे धीरे बिल्कुल इंद्रदेव साक्षात आ गए हैं। भगवान इंद्रदेव को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि वह भी आज हमारे इस भराड़ी शहर में राज्य स्थापना दिवस में आकर हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए भगवान को प्रणाम करते हुए। तो 22 साल का जहां सफर हमारा पूरा हो गया है, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन है, हमारे नौजवान साथी जिन्होंने, और हमारे आंदोलनकारी और हमारे वीर शहीद, उनके सपनों के अनुरूप ये उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, रोजगार की जब हम बात करते हैं तो रोजगार के क्षेत्र में अगर कहीं पर भी हमको जितने अवसर मिल रहे हैं, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि सारे जो है जितने भी अवसर हैं उन अवसरों को हम रोजगार के रूप में बदलेंगे, और 7000 जो हमारी नियुक्तियां हैं वो तत्काल हम करने जा रहे हैं। अभी हमने लोक सेवा आयोग को 7000 नियुक्तियां करने का उनको हस्तांतरित कर दिया है। इसके साथ साथ 19000 और जो पद हमारे रिक्त हैं उन पर भी जल्दी ही हम भर्ती की प्रक्रिया करने वाले हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य आज हम सब लोग कर रहे हैं। राज्य में हमने समान नागरिक संहिता का कानून, जिसके बारे में चुनाव से पूर्व हमने कहा था कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां हम समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और नई सरकार के गठन होते ही हमने सबसे पहला कोई निर्णय लिया तो प्रदेश के अंदर हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का निर्णय लिया। भाइयों बहनों, उसके लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। ड्राफ्ट बना दिया गया है, बनाया जा रहा है, और बहुत जल्द जैसे ही वो ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। उसके पीछे हमारा हेतु है कि हम उत्तराखंड जो हमारा राज्य दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, ये हमारा देवों का स्थान है, देवभूमि है, गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना में यहाँ काम करता है। भाइयों बहनों, इसलिए हमने तय किया धर्म संस्कृति और अध्यात्म और योग की ये भूमि, आयुष की ये भूमि, इस भूमि में समान नागरिक संहिता का कानून लगना चाहिए। इस प्रदेश के रहने वाला किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हम इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जल्दी ही आप सबके आशीर्वाद से हम ये कानून यहाँ लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आज प्रसन्नता है कि हम जहाँ भराड़ी शेड में इस उत्सव को मना रहे हैं, इस पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए पर्व का दिन है, महापर्व का दिन है। इसी दिन हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हमारे सभी धाम हो, चावल वेदर रोडे हो, या हमारे एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली भारत माला श्रृंखला की रोडे हो, उन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। हम सब जानते हैं उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव है, विशेष प्रकार का उनका यहाँ से रिश्ता है, कर्म मर्म की भूमि वो अपने को यहाँ से जोड़ते हुए अपने आप को बताते हैं। भाइयों बहनों, जहाँ समूह की बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार माणा गांव के अपने संबोधन में पूरे देशवासियों से एक अपील माणा गांव से करी थी। उन्होंने कहा कि जितने भी हम उत्पाद खरीदते हैं, जितनी हमारी धार्मिक यात्राएं होती हैं, उस धार्मिक यात्रा का 5% उस धनराशि का अंश हम स्थानीय उत्पादों को खरीदने में लगाएंगे। पूरी यात्रा का 5% उसमें खर्च करेंगे, जिससे कि वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो सशक्त होगा, और हमारी जो स्थानीय उत्पाद बनाने वाली बहनें हैं, समूह की बहनें हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं एक मजबूत आर्थिकी का आधार मिलेगा, उनको प्रोत्साहन का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों ने तय किया है, एक एक कण, एक एक क्षण मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित करेंगे, मातृभूमि की सेवा में लगाएंगे, और पूरी कोशिश के साथ लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी माताओं बहनों के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैंने ये उत्तराखंड का आंदोलन बहुत नजदीक से देखा है। 1 सितंबर 1994 की मैं घटना याद करता हूँ, जब खटीमा में गोलीकांड हुआ और 7 लोग हमारे बीच से उस दिन शहीद हो गए। भाइयों बहनों, वो बहुत ही खतरनाक मंजर था। जब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल हृदय पूरा भाव से भर जाता है कि किस प्रकार से गोलीकांड हुआ, किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ,
किस प्रकार से मुजफ्फरनगर हो, मसूरी हो, खटीमा हो, हमारी बहनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आप सबसे संकल्पबद्ध होकर कहना चाहता हूँ कि हम उत्तराखंड के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड की माताओं बहनों के सपनों को साकार करने के लिए, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए, और जो वीर शहीद हमारे बीच में नहीं रहे, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, जिन्होंने हंसते हंसते बहन की राखी को ठोकर मार दी, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाना है भाइयों बहनों। और इस सब में हमें आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका मार्गदर्शन चाहिए। जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, उत्तराखंड की जनता का भी सबका समर्थन और आशीर्वाद इसमें चाहिए। क्योंकि हमने तय किया, हमने संकल्प लिया है कि 2025 जब इस राज्य की स्थापना का हम 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, 25 वर्ष जब हम पूरे कर रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, उसके लिए हम सरकार के स्तर पर अनेकों कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ औद्यानिकी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में हमने एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, उसको लगातार प्रोत्साहन के लिए हम योजना बना रहे हैं, उसकी धनराशि बढ़ा रहे हैं। वहीं हमने पर्यटन में भी नई नीति लाकर अगले 3 महीने में तय किया है कि पर्यटन में एक बहुत बड़ा निवेश हम उत्तराखंड के अंदर लाएंगे, जिससे कि 2027 आते आते जो हमारे राज्य की आर्थिकी है, जो हमारे राज्य की ग्रोथ रेट है, वह ग्रोथ रेट आज के मुकाबले दुगने पर पहुंच जाए। भाइयों बहनों, इसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में भी हमने तय किया है, हमने फैसला लिया है कि हम एक बहुत ही हाई कंसल्टेंट, जो विश्व स्तर की कंपनी होगी, उस विश्व स्तर की कंपनी को उस काम में लगाएंगे, जो हमको एक सलाह के रूप में, एक कंसल्टेंट के रूप में उत्तराखंड के अंदर काम करेगी। ऐसे अनेकों क्षेत्रों में, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, मैं कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में सभी को रोजगार देना एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, पर फिर भी हमने प्रयास किया है, जहाँ संभव हो सरकारी नौकरियों द्वारा ही युवाओं को स्किल में बढ़ोतरी कर प्राइवेट सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर या फिर स्वरोजगार संबंधी नीतियों को सरल बनाकर अधिक से अधिक युवाओं को भली प्रकार से जीवन यापन के संसाधन मुहैया कराए जा सके, इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, उत्तराखंड के युवा हमारा भविष्य है। हम युवाओं के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ किसी भी कीमत पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने पर हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी का परिणाम है, पहली बार जो भर्ती घोटाला हुआ, उन पर हमने कड़ी कार्रवाई की है भाइयों बहनों। 45 लोगों को अभी तक जेल के अंदर भेजा है, 45 और कार्रवाई चल रही है। जब तक इसमें अंतिम जो भी आरोपी होगा, अंतिम अपराधी होगा, जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य हमारी सरकार ने, जहां बालाशाही योजना, मुख्यमंत्री बालाशाही योजना प्रारंभ की है, इसमें हमारे अनाथ बच्चों को स्कूली शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं की है, बात्सल्य योजना प्रारंभ की है। ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना महामारी या किसी अन्य महामारी से पिछले 2 सालों में अपने माता पिता को खोया है, अपने अभिभावकों को खोया है, सरकार ने उनके लिए इस योजना को आगे चलाया है। यह योजना केवल उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी लोगों ने इस योजना को सराहा है। भाइयों बहनों, आयुष्मान योजना हो या हमारी भ्रष्टाचार को मिटाने वाली मुफ्त ऐप 1064, इसके माध्यम से आज अनेकों को जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, रिश्वतखोरी करना चाहते हैं, उन सभी को जेल के सलाखों को भेजने के लिए हमने 1064 ऐप लॉन्च किया है, और इस पर सभी शिकायतों पर गंभीरता से एक्शन लिया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन पहले परिवार में एक को मिलती थी, अगर दो बुजुर्ग परिवार में होते थे तो दोनों को पेंशन नहीं मिलती थी। और कई बार आपने देखा होगा, जहां पेंशन एक को मिलती थी तो परिवार में हल्की फुल्की नोकझोंक भी हो जाती थी, झगड़ा भी हो जाता था। हमने तय किया कि आप दोनों ही बुजुर्गों को इस पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, अब उसकी सारी जो भी औपचारिकताएं थी, बीच में कुछ शासनादेश में कुछ त्रुटिवश कुछ ऐसा आ गया था जिसके कारण से दोनों को नहीं मिल पा रहा था, हमने वो शासनादेश भी सही कर दिया है। अब दोनों को ही जो है, परिवार में रहने वालों को, दोनों लोगों को जो है, इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसके साथ साथ आज होम स्टे योजना हो या सौभाग्य योजना में 2,50,000 से अधिक घरों को रोशन करने का काम हो रहा है। इसके अलावा 3 लाख रुपए महिला स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
फार्म मशीनरी बैंक योजना में 80% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। आप सभी को यह जानकर हर्ष होगा कि वर्तमान में प्रदेश में जैविक कृषि के 4,485 क्लस्टर संचालित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, सुगंध के क्षेत्र में अरोमा बेलिया विकसित किए जाने की भी हमारी योजना है। हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य की रैंकिंग उत्तराखंड को अब पीछे की श्रेणी में नहीं बल्कि अचीवर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। भाइयों बहनों, वीर ये वीरों की भूमि है। ये जवानों ने हमेशा माँ भारती के सर को ऊंचा उठाने का काम किया है। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, इसके नाते मैं कह सकता हूँ कि एक समय ऐसा था जब विदेशी हथकंडों के सामने हमारा देश घुटने टेक देता था। भारत की पहचान एक दब्बू भारत के रूप में होती थी, भारत की पहचान एक पिछलग्गू भारत के रूप में होती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में भारत को जहाँ समरस भारत समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचने वाला भारत का शासन तंत्र या शक्तिशाली भारत पूरी दुनिया के अंदर, आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, पहले के समय में जब दुश्मन की गोली आती थी तो दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए हमारे जवानों को पूछना पड़ता था, हमारे अधिकारियों को पूछना पड़ता था। आज के समय में अगर दुश्मन की गोली आती है तो दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि दुश्मन की गोली का जवाब गोलियों से नहीं बल्कि गोलों से देने का काम करती है। यह नया भारत है और यह नया भारत आज दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनने जा रहा है। हमने देखा पिछले दिनों रूस यूक्रेन जब युद्ध हो रहा था, जब भारत के बच्चे तो उस देश से निकलने के लिए, यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए, जहां भारत का झंडा, भारत का तिरंगा अपने कंधों पर ले रहे थे, वहीं ऐसे देश जो हमको फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं, उस देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत के झंडे को कंधे पर रखना पड़ रहा था। भाइयों बहनों, यह नया भारत है जो मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देते हुए ये शुभकामनाएं देते हुए, हमने ये तय किया है कि राज्य के घरेलू सकल उत्पाद को वर्ष 2027 तक दुगना किया जाएगा। 2027 तक राज्य के संसाधनों के समुचित उपयोग आय के स्रोतों को चिन्हीकरण करते हुए सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए सुझाव देने के लिए जहां हम एक सलाहकार के रूप में एक फर्म का चयन करेंगे, प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए तमाम हमारे पास ऊर्जा के अनेकों अनेक प्राकृतिक स्रोत हैं, उन स्रोतों का ठीक प्रकार से हम उपयोग करें, निवेशकों को आकर्षित करने हेतु 3 माह के भीतर सरलीकृत लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति बनाएंगे। विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के सुधारीकरण एवं विस्तार करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु रूपांतरण कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 200 विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा तथा अगले 5 वर्षों में 1,000 विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा, उनका सुधारीकरण किया जाएगा। यह कार्य अन्य विद्यालयों में चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रम के अतिरिक्त रूप में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि फसल उत्पादकों को आय में बढ़ावा मिल सके। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति 3 माह के अंदर बनाई जाएगी। राज्य में पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, इसके लिए राज्य पशुधन मिशन की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 10,000 महिला समूह को उद्यमी बनाने का हमने लक्ष्य तय किया है। इसके तहत कोई भी महिला तथा महिला समूह ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित कर सकेंगे। हम प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए गौरा शक्ति ऐप शीघ्र लॉन्च करने वाले हैं। इसके माध्यम से हमारी बहन बेटियां अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगी और पुलिस के घेरे में आ जाएंगी। हमारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों को बेहतर विपणन व्यवस्था, बेहतर उनके लिए बाजार सुविधा के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के ब्रांड जैसे हिमाद्री है, हिलांस है या अन्य जो भी हमारे यहाँ के उत्पाद हैं, उन सभी उत्पादों को बिक्री के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो इनामी बदमाश हैं, समय समय पर वारदातें करते हैं और छुप जाते हैं, कहीं अन्य निकल जाते हैं, उन सबको पकड़ने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस हेतु पुलिस विभाग को इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का भी उसके लिए पुलिस का
कोष गठित किया जाएगा। हम ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास, ये इतिहास हमारा बहुत ही संघर्षों का इतिहास रहा है, जहां इसमें अनेकों अनेक वीर जवानों ने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए अपनी शहादत दी है, वहीं हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा नौजवानों का संघर्ष रहा है, आंदोलनकारियों का संघर्ष रहा है। इसको देखते हुए लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी इसको शामिल किया जाएगा। भाइयों बहनों, प्रदेश की तहसील स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री चौपाल कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। यह योजना हमारी सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को धरातल पर उतारेगी। यह अंधेरों को उजालों से मिटाया है, राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इस योजना द्वारा लोगों की समस्याओं का मौके पर ही, अपने स्तर पर ही शीघ्र उनका निस्तारण किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारा एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड की प्रगति, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना। आज के इस जहां स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर 22 योजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया गया है और 28 योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। कुल मिलाकर 166 करोड़ की जनपद चमोली की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि हमारा चमोली जनपद हो, ये भरारीसैण हो, गैरसैण हो, ये सारे क्षेत्र का विकास हो और सुनियोजित रूप से हम इस योजना को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यहाँ पर पिछले दिनों यहाँ पर जो महलचौरी पर्यटन विकास मेला गैरसैण महलचौरी में लगा हुआ था, उस कार्यक्रम में मुझे आना था, लेकिन मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में होने के कारण से आप सबके बीच में नहीं आ पाया। जल्दी ही मैं आप सबके बीच में आऊँगा। उस दिन मुझे बताया गया कि 2-3 जो यहाँ के प्रमुख कार्य हैं उन कामों को होना अति आवश्यक है, जैसे टैक्सी स्टैंड गैरसैंण से स्टेडियम होते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम गैरसैंण तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। साथ ही पर्यटन विकास मेला महलचोरी के लिए 2 लाख रुपये की धनराशि भी वहाँ दी जाएगी। कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला गैरसैंण को भी 2 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक अनिल नौटियाल जी ने मुझे एक पत्र दिया है, इसमें इनकी 4-5 प्रमुख जो है इस क्षेत्र की जरूरतें हैं, मैं इनको अपने साथ इनको लेकर जा रहा हूँ। जल्दी ही इनका परीक्षण करवाकर इसको भी धरातल पर उतारने का काम हम लोग करेंगे। आज के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देते हुए कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि 2025 तक यह राज्य जब रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, आप सबके सहयोग से हम हिंदुस्तान के नक्शे पर श्रेष्ठ राज्यों के श्रेणी में हम शामिल हों, उस लाइन में खड़े हों जहां हमारा स्थान प्रथम हो, यही हमारा विकल्प, यही संकल्प है। इसको लेकर हम प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आज इस अवसर पर यह भी संकल्प लें कि राज्य के विकास में, राज्य की गति को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य की उन्नति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए जो भी आवश्यक होगा उसके लिए हम एक मिनट भी रुकने वाले नहीं है। यह जो मैं आपको 2025 की योजना बता रहा हूँ, 2027 की योजना बता रहा हूँ, आज से 10 सालों के बाद का रोड मैप आपके सामने रख रहा हूँ, यह केवल यह किसी की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह निजी यात्रा नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है, एक एक जन जन की यात्रा है। जब हम सब लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, दर्शक की भूमिका में नहीं बल्कि हम सारे के सारे लोग खिलाड़ी के रूप में जब मैदान में होंगे तो हमारा ये संकल्प पूरा होगा। मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए एक अंत में उत्तराखंड की अपनी 1.25 करोड़ जनता से यही कहूंगा, निर्भय हो निज क्षेत्र कर्म क्षेत्र में, रुके न हम बढ़ते ही जाएं, विजय शिखर पर दृढ़ प्रतिज्ञ हों, हम सदैव चढ़ते ही जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, माता की, भारत माता की।